हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं भरत कुमार और हम देख ले इम्पोर्टेंट जो पढ़ रहे हैं वह है बीए थर्ड ईयर के लिए। पेपर की बात करें तो पेपर टू है और पेपर टू के अंतर्गत लोक प्रशासन के पेपर का जो नाम है उसके अंतर्गत हम काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं जवाबदेहिता। लोक प्रशासन से संबंधित काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जवाबदेहिता। जवाबदेहिता क्या होता है, जिसको हम कहते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो लोक प्रशासन का एक काम होता है कि अगर वह लोगों के लिए काम कर रही हैं तो वह एक जवाबदेही होनी चाहिए, एक उत्तरदायी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि काम कर दिया अब किसको जवाब देना है, तो फिर वो काम लापरवाही से होता है, लोक प्रशासन का हो या किसी भी फील्ड का हो। तो जब जवाबदेहिता हो और उत्तरदायित्व की जिम्मेदारी किसी प्रशासन के पास हो तो वो व्यवस्थित काम करता है। तो लोक प्रशासन में जवाबदेहिता काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है और किसके प्रति, किनके लिए और कौन जवाबदेही होता है, ये आज हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। तो फिलहाल आप इससे अलावा मान लीजिए और कोई पॉलिटिकल कोई चैप्टर है जो मान लीजिए आपको कन्फ्यूजन है और उससे जुड़ना है, तो आप डायरेक्ट मेरे चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है मी एंड माई यूट्यूब क्लास, ठीक है ना। यहाँ पर आपको पॉलिटिकल से संबंधित और अदर जो चीज़ें हैं वो डायरेक्टली मिल जाएगी, या आपके कोई अगर और डाउट है तो वो भी आप डायरेक्ट मेरे संपर्क से ले सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जवाबदेहिता के बारे में। तो वैसे आपको पता होगा कि अगर कोई काम दिया गया तो पूरी जिम्मेदारी से करना, ये कहलाता है जवाबदेही। लेकिन अब इसमें यह समझना जरूरी है कि लोक प्रशासन के अंतर्गत जवाबदेही कौन, किसके लिए और क्यों होता है वो जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जवाबदेहिता क्या है। तो लिखा हुआ है कि सरकारी अधिकारियों में निहित विवेकाधिकार, सरकारी अधिकारियों के पास जो विवेकाधिकार होता है, या कहें कि उनको कुछ जो अधिकार प्राप्त होता है, तथा प्राधिकारों की राज्य व्यवस्था में विभिन्न अंगों के द्वारा बाह्य समीक्षा करना। नहीं समझे, मतलब है जवाबदेही प्रशासन उत्तरदायी प्रशासन होता है। तो जो भी प्रशासन जिसको जिम्मेदारी दी गई है वह उस जनता के प्रति जवाबदेही हो, प्रशासन पूरी तरह से पारदर्शिता से काम करे। तो अब बात करते हैं कि नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं कि जवाबदेही किसके लिए। ये जवाबदेही है वो किसके लिए होती है, तो अब यहाँ पे अगर देखें तो सरकारी कर्मचारी की जवाबदेही औपचारिक रूप से और लिखित रूप पर निम्नलिखित कार्यों के लिए होती है। तो जवाबदेही किसके लिए होते हैं, सरकारी कर्मचारियों के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अब हम बात करते हैं लोक प्रशासन सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, तो लोक प्रशासन में जो सरकारी अधिकारी है या कर्मचारी है तो वही तो जवाबदेही होंगे ना। तो जवाबदेही किसके लिए होते हैं, सरकारी कर्मचारियों के लिए जवाबदेहिता की बात आती है कि वो जवाबदेही होते हैं, ठीक है ना, यानी उनको जवाबदेही होना पड़ता है, किसको जवाब देना है। तो बात करें इसके अंतर्गत राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित में जो नीतियों का निर्माण करना है, किसी समूह या व्यक्ति के हितों की नीतियाँ बनाना है, तो इसके प्रति उसके पूरी जवाबदेही होकर काम करना होता है। या मान लीजिए कि सरकारी कर्मचारी कोई परियोजना बना रहा है, कोई कार्यक्रम बना रहा है, कोई स्कीम ला रहा है, कोई नई सुविधा जारी कर रहा है या कोई सेवा प्रदान कर रहा है, तो इसके लिए उन्हें समय निर्धारित समयावधि में पूरा करना होता है, यानी सरकारी कर्मचारियों के कार्यों के द्वारा। अब जैसे आप देख रहे हैं कल बजट पारित हुआ है, तो इस बजट में सरकार ने जो भी चीज़ें कही है उन्हें एक साल के दरमियान लागू करना है, तो ये सरकार की जवाबदेही होगी कि सरकार अपने दिए गए कार्यों को समयांतराल में पूरा करना होगा। तो यहाँ पर यही होता है कि सरकारी प्रबंध में उनके कार्य योजना सुविधाओं को सुनिश्चित करना होता है और समयावधि में पूरा करना होता है, ये इनकी जवाबदेहिता होती है। और इसी तरह से विवेकाधिकार शक्तियों को कम से कम प्रयोग कर, जहाँ तक प्रयोग करना है अति आवश्यक हो वहीं प्रयोग करते हुए न्यायचित और पारदर्शिता के रूप में काम करना।
यानी वे जो कार्य करेंगी वो पूरी तरह से न्यायोचित होकर और पारदर्शी होकर। कि सरकार क्या काम कर रही है, कि कितना बजट आया, कितना बजट गया, तो इस तरह से सरकार हर चीज़ के बारे में व्यवहारिक होकर और पूरी पारदर्शिता से काम करेगी, तो ये एक जवाबदेही सरकार होती है। अब बात करते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, बात करते हैं कि जवाबदेही किसके लिए, ये जो सरकार इतनी जवाबदेही हो रही है किसके लिए। किसके लिए जवाबदेही होना है, ठीक है ना, किसके लिए, ये समझ लीजिए। तो जैसा कि आपको पता होगा कि कर्मचारी आज भी अनेक संस्थाओं के प्रति जवाबदेही होते हैं और जिन्हें निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेही। तो किसके प्रति जवाबदेही होंगे, लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति, यानी सरकार है, सरकार काम कर रही है, लेकिन सरकार एक तरह से किसके प्रति उत्तरदायी होकर काम करेगी, उनके चुने हुए प्रतिनिधि। जैसे मान लीजिए हमने हमारे विधायक को सुना, अब ये विधायक उस सरकार में बैठ के काम करता है, तो सरकार जो काम करेगी वह उस विधायक के प्रति जवाबदेही होकर काम करेगी। क्यों, क्योंकि विधायक को वापस जनता को जवाब देना है। तो इस तरह से हम कहेंगे लोगों द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि के प्रति जवाबदेही, लोगों द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि के प्रति जवाबदेही। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लेखा परीक्षा के प्रति जवाबदेही होना भी जरूरी है। यानी हिसाब किताब, तो सरकार को हिसाब किताब देना होगा कि भाई क्या आया, क्या गया, कितना बजट था, कितना खर्च हुआ, कितना योजना में गया। तो इस तरह से सरकार को जवाबदेहिता है वो प्रतिनिधियों के प्रति देनी होगी, या हम कहें लेखा परीक्षा के जवाबदेही देनी होगी कि जो हिसाब किताब है कितना खर्चा हुआ, ये जवाब देना होता है, या हम ये कहें कि ग्राहकों के प्रति जवाबदेही या न्यायपालिका के प्रति। यानी सरकार के लिए हम एक ग्राहक की तरह ही होते हैं, क्योंकि हमारे लिए सरकार काम कर रही है तो उनके प्रति जवाबदेह होना चाहिए। और मान लीजिए सरकार जो भी काम कर रही है तो उसके लिए सबसे पहले तो वो सरकार किसे हिसाब किताब देती है, न्यायपालिका को, कि न्यायपालिका कुछ गलत तो नहीं कर रही, तो न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही होती है सरकार है वह न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही होती है। तो किसके लिए, यहाँ पर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट में बात करें कि लोगों द्वारा सुने गए प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेही, एक तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे मैंने बात कर ली, ठीक है ना, सुने हुए प्रतिनिधि, यानी पहली बात होगी प्रतिनिधि, जो लोक प्रशासन है वो प्रतिनिधियों की सुने हुए प्रतिनिधि इनके प्रति जवाबदेही होता है, लेखा परीक्षा के प्रति होता है, सतर्कता अधिकारी के प्रति होता है, ये जो दो तीन चीज़ें मैंने आपको बताई है उनके प्रति सरकार पूरी तरह जवाबदेही होकर काम करती है। इसके अलावा हम बात करें तो और भी होता है मीडिया के प्रति, क्योंकि सरकार ने क्या वादा किया है, मान लीजिए लोग भी भूल जाए लेकिन मीडिया को याद रहता है, तो सरकार को वापस मीडिया से जवाब देना होता है, मीडिया को प्रत्युत्तर देना होता है कि भाई हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अधिकार, ये बातें की थी, क्या ये हुई कि नहीं हुई, तो वापस मीडिया उनसे सवाल जवाब करती है और पूछती है कि सरकार कितनी सही है, क्या सरकार जवाबदेही होकर काम करी है, क्या सरकार ने जो वादे किए वो पूरे हुए, क्या सरकार पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी होकर लोगों की लोक कल्याणकारी व्यवस्था का काम कर रही है। तो ये कहलाती है मीडिया के प्रति जवाबदेही, क्योंकि मीडिया के प्रति जवाब देना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और लास्ट में तो हम बात करें कि एक और उत्तरदायित्व तो किसके लिए होता है, बात करते ईश्वर के प्रति, ईश्वर या हम कहें अपनी अंतरात्मा, भले कोई आपको लोग न कहें लेकिन आपको ईश्वर को ध्यान में रखते हुए, भगवान के ध्यान में रखते हुए काम करना है, कि कोई नहीं देख लेकिन भगवान तो देख रहा है, तो इसको ध्यान में रखते हुए अपना काम करना है ईमानदारी से, क्योंकि कोई हिसाब ले न ले लेकिन भगवान हिसाब ज़रूर लेगा। तो ये बहुत ही अच्छी जवाबदेही होती है,
यानी इसका हिसाब कंक्लूजन यानी ये अपने अंदर होता है, अपने आत्मा में ये सोचना कि मैं जो काम कर रहा हूँ क्या मैं वो सही कर रहा हूँ, तो ये अपने अंतरात्मा से जवाबदेही होता है। तो इस तरह से इस लेसन में मैंने आपको ये बताया कि जवाबदेही का मतलब क्या है, कौन है जो जवाबदेही देने के लिए तैयार होता है और जवाबदेही किसके प्रति होती है। तो ये जो इम्पोर्टेंट जैसे आपको मैंने बताया तो ये ज़्यादातर एग्जाम में बार बार पूछा जा सकता है। अब अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि प्रशासन की मीडिया के प्रति क्या जवाबदेही है, यानी जो प्रशासन है सरकार है लोक प्रशासन, ये मीडिया के प्रति किस तरह से जवाबदेही होती है, तो इसका आंसर आप ध्यान रखिएगा कि मीडिया को प्रशासन गतिविधियों से परिचित करवाना ताकि मीडिया जनता को सही सूचना दे सके। मान लीजिए बजट पारित हुआ, अब ये जो बजट पारित हुआ लोगों को कैसे पता लगा, मीडिया से। अब एक साल बाद मान लीजिए कि सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए, तो सबसे पहले तो मीडिया के जरिए रूबरू हुए थे जनता से, तो सरकार को मीडिया को जवाब देना होगा क्योंकि मीडिया ही थी जो जनता तक पहुंची थी, तो इसलिए जनता को वापस मीडिया भी तो जवाब देगी। तो ये प्रत्युत्तर जो होती है, ये उत्तरदायित्व जिम्मेदारी होती है, ये सीरियल वाइज होती है, यानी उत्तरदायित्व जरूरी होता है। और यही यहाँ पे मैं समझाने का प्रयास किया इसके लेसन के अंतर्गत कि जवाबदेही क्या है, राष्ट्रीय नीति निर्माण करने वाली जो व्यवस्था है उसके लिए भी यही है। तो ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई होगी जवाबदेहिता क्या होती है, और जवाबदेही से जुड़े प्रश्न हैं वो आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। अब इसके अंतर्गत लोक प्रशासन में जो महत्वपूर्ण पूछा जाएगा वो है कि लोक प्रशासन का अर्थ क्या है या लोक प्रशासन का स्वरूप क्या है, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा, या लोक प्रशासन का क्षेत्र। तो इनमें से घुमा किराबे कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा बाकी आपके कोई डाउट है तो मिलेंगे दोबारा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।